श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव के साथ अपना व्यक्तिगत कड़वापन भुलाकर केवल तेरे भविष्य के लिए अपना सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर यह सम्मान स्वीकार किया। तू है कैसे अस्वीकार कर रही है? तुम यहाँ बैठी हो, इंद्रजीत की विदाई के लिए सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं मनुजी, ने आओ ना। अरे हाँ, आपने सुना, आप झांसी में दासी नहीं रानी बनने जा रही हो। मुझे नहीं बनना ऐसी रानी। तो फिर हमें रानी बना दो ना। प्राची अभी नहीं, तुम जाओ, मुझे सोचने दो। ठीक है, फिर जल्दी सोचना और जल्दी आना। घोड़ा तैयार किए बिना हमारे सामने लाने का साहस कैसे किया तुमने? इसका दंड अवश्य मिलेगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आओ बेटी, अपने कुलदेव की पूजा कर लो। हे कुल देवता, मेरे इंदु दीदी का होम स्वीकार कर लेना। हमारे कुलदेव ने तुम्हारा होम स्वीकार किया। बेटे, तुम्हारे बाबुल के कुलदेवता से आज तुम्हारी विदाई का क्षण है। अपने कुलदेवता को अपने ससुराल में भी याद रखना। हे कुलदेवता, आज मैं आपसे विदा हो रही हूँ, लेकिन अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर बनाए रखना। अब मैं चलती हूँ। हम भी जा रहे हैं, हमें भी आप सभी क्षमा कर देना। देवा, मनो कहाँ चली गई ये लड़की? मनो मनो को देखा कहीं? वैरी साहब, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ, संभवतः यहीं कहीं होगी। मैं उसे ढूंढ कर। इंदु की विदाई होने वाली है और पता नहीं ये लड़की कहाँ गई, इसका बचपना नहीं गया अभी तक। हाँ वैरी साहब, समय के साथ धीरे धीरे हर कन्या सीख जाती है। तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी शिष्या झांसी की महारानी बनने जा रही है। बस अब कुछ दिनों में मन्नू की भी विदाई हो जाएगी, महल सुना हो जाएगा, बहुत याद आएगी उसकी। नहीं साहब, आप केवल हुक्के में आग भड़काती रहिए और कुछ नहीं होगा आपसे। छोटी 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 बातें मत किया करो। एक मोहरा है और वो हमारे हाथ में है। कौन? मोती बाई।
जो कि आजकल गंगाधर राव के प्यार में एक घायल कबूतर की तरह फड़फड़ा रही है। तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हाँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है वो, लेकिन हमारी लच्छो ये कर सकती है। एक ही बिरादरी की है ना दोनों। बेशक सुख साहिबा, जो मैं कर सकती हूँ वो आप दोनों नहीं कर सकती, लेकिन बाद में दूध में मक्खी की तरह निकाल दी जाऊंगी। लच्छो, कितनी जल्दी निराश हो जाती हो तुम। मैं भी चलती हूँ। श्रीमान, आपके आदेश अनुसार उपहार की सारी वस्तुएं हमने रख दी। सारी संदूकें एक साथ रख दी? श्रीमान, आप ही ने तो कहा था कि ये सारा सामान बारात के साथ जाने वाली बैलगाड़ी में चढ़ा दो। ये संदूकें काशी जाएंगी इंदु बेटी के ससुराल। अरे क्या कर रहे हो, मैंने अभी तो कहा ये सामान झांसी जाएगा। हमारी श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव को इंदु बेटिया के उपलक्ष्य में ये उपहार दिया है। हे देवा, ये संदूक झांसी जाएगी। जाओ, उसे झांसी वाली बैलगाड़ी में रखवा दो। मैं जिससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, हाँ कि मुझे वही लिए जा रहा है। हमारी श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव को इंदु बेटिया के उपलक्ष्य में ये उपहार दिया है। हे देवा, ये संदूक झांसी जाएगी। जाओ, उसे झांसी वाली बैलगाड़ी में रखवा दो। मैं जिससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, हाँ कि मुझे वही लिए जा रहा है। जैसे आगे श्रीमान, चलो तुम ये लेके जाओ। हाँ चलो। श्रीमान सरकार, मोरोपन यहाँ क्या कर रहे हो? केवल यही देखने आया था कि कहीं कुछ शेष तो नहीं रह गया। जो कार्य तुम्हारी देखरेख में हो उसमें कोई चूक हो सकती है भला? हो जाती है श्रीमान सरकार। अब देखिए ना, ये झांसी जाने वाली संदूकें हमारे सेवकों ने काशी जाने वाली संदूकों के साथ रख दी थी। सामग्री झांसी जाए या काशी, बेटियों के ससुराल ही जाएगी। तुम जमाई राय से मिलो। श्रीमान सरकार, सेवक तो आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, और इस विवाह को स्वीकृति देकर मैं आपका अधिक ही ऋणी हो गया। अब मिलने देखने की कोई आवश्यकता नहीं। सखाराम, सखाराम, ये झांसी जाने वाले उपहार है, इन्हें बग्घे में रखवा दो। जी काका। तात्या, मनु से मिले? जी मैं उसी से तो मिलने। कुछ करो तात्या, सिरे से अस्वीकार कर रही है, और एक तुम ही हो जो उसे इस विवाह के लिए मना सकते हो। जी काका, वो क्या है ना कि विदाई की भागदौड़ के कारण मैं उससे बात नहीं कर सका। काका, विदाई होते ही मैं उससे अवश्य बात करूंगा। तुम्हारी शिष्या है वो, इस समय उसका भाग्य तुम्हारे हाथों में है। काका आप चिंतित ना हो, मैं उससे बात करूंगा, वो अवश्य मान जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।